रायगढ़ के ढिमरापुर रोड में शुक्रवार शाम को यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में डकैती की कोशिश हुई। जानकारी के मुताबिक 3 नकाबपोशों ने कट्टा दिखाकर बैंक में डकैती की कोशिश की और इस दौरान बैंक के मैनेजर के साथ मारपीट भी की। हालांकि ये नकाबपोश रुपए लूट कर ले जाने में सफल नहीं हुए। रुपए नहीं मिलने पर डकैत CCTV का DVR लेकर फरार हो गए। बैंक मैनेजर की सूचना के बाद रायगढ़ SP राजेश अग्रवाल और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इससे पहले रायगढ़ में SBI में भी लूट की कोशिश हुई थी और 2010 में ICICI बैंक में 76 लाख रुपए की डकैती हुई थी। इसके बावजूद बैंकों में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए हैं। यूनाइटेड बैंक है ढिमरापुर चौक वाले रोड पे, लगभग यहाँ पर 5:45 से 6:19 के बीच 3 युवक आए थे जो आर्म्स के साथ थे और यहाँ पर बैंक से जो यहाँ का चेस्ट है वहाँ पर जाकर लूटने का प्रयास किए हैं, लेकिन लूटने में सफल नहीं हुए हैं। और जो भी इसमें वो हैं प्रार्थीगण हैं उनसे भी इसमें पूछताछ की जा रही प्रथम दृष्टया, और जो इसमें आरोपी गणों का हुलिया है उसके आधार पर नाकेबंदी लगाई गई है और बाकी सभी जितने भी विवेचना के बिंदु उस पर काम कर रहे हैं।